हेलो जी, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। मैं कविता स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल कविदी फैमिली व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, आज है 27 फरवरी 2021 और अभी टाइम हो चुका है शाम के तकरीबन 3:30 बजे का। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि आज इतने दिनों बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या था ना कि काफी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इसी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी। क्योंकि यार टाइम ही नहीं मिल पाता है, 3-3 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं और सारा दिन पता ही नहीं चलता कैसे बीत जाता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी। और सही बताऊं तो तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, तबीयत भी थोड़ी ठीक से नहीं चल रही है। तो इसी वजह से भी मतलब मैं नहीं बना पा रही थी कोई व्लॉग। तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक मैं व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज शाम से मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी 3:30 बजे का टाइम है और 4 बजे के करीब में चाय का टाइम हो जाता है, तो हम लोग 4 बजे के करीब में चाय बनाते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ स्पेशल सा बना लेती हूँ। क्योंकि क्या है, विहान के पापा गए हुए कंपनी, तो वो 4 बजे के करीब में 4:30 तक आ जाएंगे। तो फिर आते ही फिर वही है कि चाय के साथ में थोड़ा कुछ हैवी सा अगर हो जाएगा तो सही है, क्योंकि दोपहर में वैसे भी वो खाना 12-1 बजे के करीब में खाते होंगे तो भूख लगी जाएगी, और चाय के साथ में कुछ स्पेशल भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ ढोकला, तो आज उसी की रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलती हूँ किचन में और करते हैं फिर ढोकले का प्रिपरेशन। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी विहान हमारा सोया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यार से धीरे धीरे स्माइल भी कर रहा है विहान। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, विहान अभी जस्ट सोया हुआ है और तकरीबन अभी वो उठने ही वाला है। तो बस अभी चलते हैं किचन में जल्दी से और मैं बनाती हूँ फिर। तब तक फिर विहान के पापा भी आ जाएंगे तो फिर वो भी खा लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और आप ही देख सकते हैं, राजधानी का बेसन है ये और इसी को मैंने ले लिया है। तो ये बेसन मैं इस बाउल के हेल्प से ही मतलब जो प्रिपरेशन है वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी बेसन डाल दिया है और इसी तरीके से मैं ये अभी एक और कटोरी लूँगी। तो मतलब मैं 2 कटोरी यहाँ पर बेसन का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ सूजी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने ले ली है सूजी। तो 2 कटोरी मैंने बेसन लिया था और उसके हाफ क्वांटिटी में सूजी लेनी है। तो यहाँ पर फिर मैं सूजी ले रही हूँ 1 कटोरी और उसके बाद में बस इस मिक्सचर को अच्छे से फिर मैं चम्मच के हेल्प से थोड़ा सा मिला लूँगी और बस इसी तरीके से फिर आगे का प्रिपरेशन करूँगी। और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी लस्सी। अगर लस्सी ना हो तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ना लस्सी से थोड़ा इसका जो मतलब टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है, तो इसी वजह से फिर मैं लस्सी का यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा लस्सी नहीं डालेंगे, मतलब कि पूरा जो प्रिपरेशन है वो पूरा लस्सी से ही नहीं करना है, थोड़ा सा बाद में पानी भी ऐड करूँगी। तो बस अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी इसमें फिर उसके बाद में फिर अभी मैं इसमें मिलाऊँगी पानी और पानी मिला के एक मतलब कि बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब पतला भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये खाने में ना काफ़ी अच्छा भी लगता है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ हमेशा। और आज एक्चुअली ना मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ढोकला, तो इसी वजह से अभी मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी बस मैं इसमें मिर्ची ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं अभी इसमें नमक ऐड करूँगी और फिर उसके बाद में थोड़ी सी मैं करूँगी इसमें हल्दी ऐड, तो जिससे कि इसका जो कलर है वो काफ़ी मतलब अच्छा आएगा। तो इसको पहले मैं मिला लेती हूँ और अभी इसमें थोड़ी सी मैं डाल देती हूँ हल्दी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये मिक्सचर को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ढोकला, तो इसके लिए फिर अभी यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली है जिसको मैं अच्छे से बारीक कूट लूँगी। और फ्रेंड्स, नॉर्मली लहसुन का यूज़ नहीं होता है, लेकिन मेरी सिस्टर बनाती है ढोकला तो वो लहसुन का यूज़ करती है और खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसी वजह से फिर मैं भी मतलब कि अभी डालती हूँ। तो 2-3 बार से मैंने तैयार करती हूँ तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी ये जो मेरे
मेरा बैटर है वो तैयार हो गया है। और उसके बाद मैं जो ढोकले का जो जो स्टैंड है मेरे पास में, मतलब इसी के अंदर मैं बनाऊंगी। तो बस पानी डाल के और फिर मैं इनो वगैरह ऐड करके और थोड़ा सा नींबू का रस उसमें ऐड करके और फिर प्रिपरेशन तैयार करके फिर मैं इसमें ढक के रख दूंगी कुछ मिनट के लिए। तो शाम का समय है फ्रेंड्स, तो अभी बस मॉर्निंग में तो क्या है ना कि नाइट ड्यूटी होती है बिहान के पापा के, तो सुबह में फिर नाश्ते के लिए थोड़ा हैवी सा सोचना पड़ता है। लेकिन अभी मैंने सोचा कि आज ही बना लेती हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए हैं ऐसा कुछ स्पेशल बनाया नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ। और बच्चे हैं वो इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं कि बस अभी थोड़ा से वो खेल में लगे हुए थे, तो इसी वजह से फिर मैं ना आराम से यहाँ पे किचन में लगी हुई हूँ, और वो आ जाएंगे तो फिर कुछ करने भी नहीं देंगे। तो बस वही है फ्रेंड्स। और एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, मुझे नहीं पता है वो लड़का है लड़की है वो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि दी आपके व्लॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन आप व्लॉग्स काफ़ी लेट छोड़ते हो। तो प्लीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अभी क्या है ना कि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से मैं जल्दी कोई व्लॉग मतलब कि नहीं डाल पा रही हूँ रूटीन में। अदरवाइज़ तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग डालती हूँ, और जैसे ही रूटीन में लाइफ आएगी तो होपफुली मैं कोशिश करूँगी एक दिन छोड़ के एक दिन आपके लिए व्लॉग मैं ज़रूर लेके आऊँ। और थैंक यू सो मच आपके इतना मतलब सपोर्ट के लिए और इतने प्यार के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काट ली है हरी मिर्च, क्योंकि यहाँ पे तब तक ये ढोकला मतलब बन रहा है, तो तब तक फिर मैं इसका प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे तेल डाल के और थोड़ा सा राई के दाने और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मतलब डलता ही है लेकिन कड़ी पत्ता नहीं था फ्रेंड्स, इसी वजह से फिर मैं बस राई के दाने डाल के और हरी मिर्च डाल के ही प्रिपरेशन करूँगी। और उसके बाद में फिर जब ये थोड़ी सी मतलब कि भुन जाएगी हरी मिर्च, उसके बाद में फिर इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और थोड़ी सी चीनी और फिर नींबू और नमक, मतलब मिर्ची तो ऑलरेडी है तो थोड़ा सा नमक इसमें हल्का सा ऐड करूँगी, जिससे कि जो ये जो पानी है इससे ना थोड़ा खट्टा मीठा पानी हो जाएगा, तो वो काफ़ी खाने में अच्छा लगता है। और जो ढोकले में जो स्पंजीनेस जो होती है, सॉफ्टनेस जो होती है, वो इसी पानी की वजह से आती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है फिर खाने में। तो फ्रेंड्स बस अभी ये तकरीबन मतलब कि ढोकला भी मतलब रेडी होने ही वाला है, तो बस यहाँ पर अभी मैंने फिर उसमें नमक भी ऐड कर दिया है, तो बस अभी वो पानी हो चुका है रेडी। गैस की फ्लेम मैंने वहाँ पे बंद कर दी है और अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी हल्का सा मतलब कि कच्चा लग रहा है, आप देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा और पकने दूंगी। और यहाँ पर मैंने फ्लेम बंद कर दी थी तो यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल रही हूँ, तो बस अभी ये हो चुका है तैयार। और फ्रेंड्स आपने अगर पहले के व्लॉग्स अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी सारे व्लॉग्स में मैंने रेसिपी को शेयर किया हुआ है अलग अलग तरीके से, और मैं कोशिश करूँगी आगे भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और व्लॉग्स में लाते रहूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे क्यूट सा अभियान अभी उठ गया था और काफ़ी ज़िद करने लगा, तो ऊपर अभी आप देख सकते हैं ऊपर में बैठा है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है किचन में इस तरीके से बैठना, बहुत ही पसंद आता है। और इसी तरीके से जो अभियान का जो बड़ा भाई है मयंक, उसको भी इसी तरीके से ऊपर बैठ के बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाते हैं तो इस तरीके से मतलब कि अच्छा लगता है। लेकिन अभी फ्लेम वगैरह सब बंद थी तो इसी वजह से मैंने बिठा दिया था। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने फिर ढोकला निकाल लिया है, अब इस पानी को इसके ऊपर में डाल देंगे अच्छे से, जिससे कि ये अच्छे से थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या है ना कि गले में फिर तो मतलब सही सा नहीं लगता है, तो ये पानी की वजह से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो खाने में फिर अच्छे लगते हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं ये डाल दिया है, यहाँ पे बिहान भी आराम से बैठा हुआ है, और काफ़ी दिनों बाद एक्चुअली व्लॉग बना रही हूँ फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ, तो ज़्यादा बड़ा भी व्लॉग मैंने इसलिए नहीं रखा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी मैंने डाल दिया है, अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ हरा धनिया, जिससे कि मतलब कि और भी अच्छा लगेगा ये खाने में, और सॉस के साथ या किसी भी हरी चटनी के साथ में इसको खाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, क्योंकि काफ़ी अच्छी एक रेसिपी है ये, और स्पेशली गुजरात की तो बहुत ही फेमस रेसिपी है, मतलब वहाँ की तो मेन स्पेशलिटी है ये, और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ पे मतलब कि
गुजरात में ही रहते हैं आधी फैमिली, तो इसी वजह से फ्रेंड्स बनते ही रहता है ये। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हुए हैं, तो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप भी खाने के लिए, विहान तो यहाँ पे कर रहा है इंजॉय। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं विहान की मस्ती, और आगे अभी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके से विहान और विहान का भाई कर रहे हैं पूरी तरीके से मस्ती। और फ्रेंड्स गले में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसी वजह से थोड़ी साउंड में दिक्कत भी आ रही होगी, तो प्लीज़ उसको अवॉइड करिएगा। तो आप देखिए दोनों भाई भाइयों की देखिए आप मस्ती, एक दूसरे के साथ में इसी तरीके से खेलते भी रहते हैं और सारा दिन इसी तरीके से ना मतलब कि पिटाई करते रहते हैं आपस में और इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है देख के, क्योंकि ये आई थिंक ये कुछ बेस्ट मोमेंट्स होते हैं छोटे बच्चों के साथ में, और काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस बार दोनों भाई एक साथ हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, विहान काफ़ी खुश है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये है हमारा क्यूट सा मयंक, तो देखिए कितना प्यार से गाड़ी के साथ में खेल रहा है, और यहाँ पे एक तरफ विहान लगा हुआ है अपनी गाड़ी के साथ में। तो फ्रेंड्स ये प्यारे से क्यूट से बच्चे आपको कैसे लग रहे हैं? विहान के तो ब्लॉग्स आपने ऑलरेडी मतलब विहान को तो ब्लॉग्स में ऑलरेडी आपने देखा है, लेकिन मयंक को आई थिंक पहली बार आप देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्यूट सा मयंक आपको कैसा लग रहा है। और बस विहान से 3.5 महीने का ही गैप है हमारे माइंड में, डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, हम उम्र ही है, लेकिन बहुत ही मतलब प्यारे हैं। तो बस यही था फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी बताइएगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा। आ गए मंकू चलाने अच्छे से, तब तक बाय। ये पहिया कहाँ जा रहा है?